देखो अक्सर क्या होता है ना कि जब आदमी 10th क्लास यानी कि 10वीं पास हो जाता है और पास होने के बाद ना सही डिसीजन नहीं ले पाता, क्या करें, आर्ट लें, कॉमर्स लें, साइंस लें कि मैथ लें, क्या लें, है ना, उसको समझ में नहीं आता। तो देखो यार, ज़िंदगी में ना अगर गलत डिसीजन ले लेना तो हमेशा गलत ही जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसे शर्ट होता है, ठीक है, वो जो बटन होता है ना नीचे का, अगर बटन हम स्टार्टिंग से गलत लगा दें, ऊपर नीचे हो जाए, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, अगर एक बार ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो जब तक ऊपर आएगा ना तो एक ऊपर ही रहेगा, एक नीचे रहेगा। यकीन न हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो जब भी मतलब कोई क्लियर डिसीजन लो, जैसे कि कक्षा 10 में 10 के बाद और 12th के बाद, 12वीं के बाद, इसके बाद तो बहुत सारे लोग कहाँ से कहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो क्लियर और सही डिसीजन लो यार, क्यों पागल बने हो? कभी कभी पागल भी इतिहास रच देते हैं, सही बात है ना। जी बस। चलो रखो, हो गया, अरे रखना पागल।